बहुत ज़रूरी था कि उनको याद रखा जाए और उनके लिए तारीख रेफरेंस करने का आदत। मैं तकलीफ का आगाज़ आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब से करना चाहूँगा। एक शाह पहले मैं पस मंजर बता दूँ, इस तकरीब का पस मंजर यह था कि हम द न्यूज़ में एक दिन चंद चार पाँच साथी बैठे ये बात कर रहे थे कि यार साहब जितने कोना मश्क में सीनियर साथी थे वो गुजर गए, प्रेस क्लब में भी उनको याद नहीं किया, कोई तकलीफ उनके लिए उनसे जाएगी, अगर किसी ने किया तो वो आई बी ए का सी जी ने कमाल सिद्दीकी साहब ने तदरीफ मुख्तियार साहब और अनिल दत्ता साहब के साथ के लिए मुश्तर है। तो जबकि वो रिपोर्टर भी आर्ट के थे, कल्चर रिपोर्टर थे, तो क्यों ना आर्ट्स काउंसिल जाके अहमद शाह साहब से कोई तजवीज़ पेश की जाए कि दत्ता साहब की याद में भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमने आर्ट्स काउंसिल रब्ता किया और हमारा इरादा था कि हम एक वफद की सूरत में जाएंगे ताकि चार पाँच लोग जाएंगे तो हो सकता है बात बन जाए। हुआ ये कि जब शाह साहब के पास वक्त था तो हम में से किसी के पास वक्त नहीं था तो हमने आगे बढ़ा दिया। फिर जब हम जिस तारीख हमने दी वो शाह साहब मसरूफ थे और बिल आखिर ये एक दो हफ्ते ही मामला टल गया। फिर एक दिन हमने सोचा कि भाई अब कोई हो ना हो शाह साहब जो भी वक्त देंगे हम जाते हैं चलते, और इत्तेफाक से उस दिन मैं अकेला था, बाकी मेरे जो साथी जिनका इरादा था वो साथ किसी का असाइनमेंट था किसी की यूनिवर्सिटी थी किसी को, और मैं एक मंगल को अकेला शाह साहब के पास ये तजवीज़ लेकर गया और मैं बड़ा घबराया हुआ था कि शाह साहब कहेंगे कि चार महीने बाद आपको याद आ रहा है कर, लेकिन ये जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ इससे पहले कि मैं खुद कुछ कहता शाह साहब बोले कि यार दत्ता आपके तो ये इवेंट ओवर ड्यू है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया ये याद दिलाया, तुम बस अपने साथियों से मशवरा करो और एक हफ्ते बाद ही कोई तारीख सही हो। दो दिन बाद मैंने शाह साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि जी हफ्ता 16 नवंबर हमारे जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि मुनासिब रहेगा और शाह साहब ने उसी वक्त ये दिन फाइनल कर दिया। तो मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा इस तकरीब के लिए का इनका उन्होंने मुमकिन बनाया और आप सबसे गुजारिश करूँगा शाह साहब के लिए तालियाँ। इस्लामीन साहब तलत असलम साहब सारे दोस्तों, असल में एक तो ये कि बिलाल को तो शुक्रिया का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि बिलाल का तो काम ही नहीं था, ये काम हमारा ही था आर्ट्स काउंसिल का, क्योंकि दत्ता साहब मेरे मेंबर तो थे लेकिन दत्ता साहब को तो मैं बहुत ज़माने से जानता था, जितने अरसे से मैं शाहिद भाई को जानता हूँ, जितने अरसे से मैं मौसी साहब को जानता था, नरगिस खानम दत्ता साहब लंच हमारे मुश्ताक मेहमान वो फिदा बाबा फोटोग्राफर कैसे कैसे नायाब लोग थे और दत्ता साहब भी एक उसका लाजमी हिस्सा थे। और फिर जब मैं आर्ट्स काउंसिल आया तो 12-15 साल से तो वो तो रहा लेकिन हमारा तो दत्ता साहब से ताल्लुक कोई आर्ट्स काउंसिल से शुरू नहीं हुआ, बहुत ही थॉरो प्रोफेशनल, बहुत वक्त पर आना, चीज़ों को प्रॉपर कवर करना। अब चूँकि मर गए हैं तो मैं तलत साहब के साथ ये भी शेयर कर सकता हूँ कि जो उनकी स्टोरियाँ रुक जाती थी तो वो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताते थे कि यार ये तो न्यूज़ वाले पता नहीं उनको पता ही नहीं है कल्चर की इम्पोर्टेंस का, मैंने ये इतनी ज़बरदस्त स्टोरी फाइल की थी और ये स्टोरी मेरी छपी नहीं, या ये कि मैंने तो 4 पैरे लिखे थे काट के उल्टा सीधा काट के आधी स्टोरी फजूल करके उन्होंने छाप दी और जो मेरा जिस्ट था स्टोरी का वो निकल गया, ये गाय गाय होता था अक्सर नहीं और वो बात आप तक जाती नहीं थी नीचे न्यूज एडिटर और एडिटर से, लेकिन ये मुकालमा मेरा जरूर होता था उनके साथ। एक मुकालमा और होता था कि दत्ता साहब फंक्शन कवर करके जब वापस डेस्क पे अपनी जाते थे तो मेक श्योर करते थे कि जो लोग उस तकरीब में मौजूद हैं उनकी स्पेलिंग कहीं वो कोई गलत ना कर दें, तो बाकायदा वो मुझे कोई घंटे भर बाद रात को फ़ोन करते थे 9 बजे 9:30 बजे कि आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट ये जो नाम है ये क्या नाम था, वो फलां आदमी जो था जिसने ये कहा था ये भी एक हमारे ताल्लुक का एक लाजमी हिस्सा था और बहुत ही शानदार रिपोर्टर थे, बहुत ही आलीशान इंसान थे और बहुत ज़माना काम किया और जब बिजनेस रिकॉर्डर में थे मैं उस वक्त से भी उन्हें जानता था जब कॉन में भी थे, और यानी एक बदकिस्मती से बहुत ही बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की हुकूमत का जो सकाफत के बारे में जो प्रायरिटीज़ हैं हमारे अखबारी मालकान की भी प्रायरिटीज़ तकरीबन उतनी है कि मतलब वो कल्चर को ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं देते
कल्चर की कोई इस बात को ज़रूरत नहीं समझते। आमतौर पर तो देखिए हमारे यहाँ एक दो ही बड़े अखबार थे उर्दू के, तो उसमें तो वो उनके नाम भी नहीं लूँगा मजबूत तेरी वजह से, लेकिन आशिक चौधरी मसलन एक बड़ा करेक्टर है लाहौर का, उसका बुनियादी काम यह होता था कि वो मीर साहब के घर में कोई फंक्शन है तो मीरा रीमा अंजुमन आ जाए, ये सब हो जाए और अखबार में वो एक बड़ी सेक्सी सी, चले हम ऑफ द रिकॉर्ड कर लेते, फोटोएं छापते और उसकी वजह से वो मीर शकील रहमान साहब ने कहा कि ये तो इतना बड़ा हमारा अखबार है और लाहौर के अंदर जंग जो है वो तो चलता नहीं है। तो उन्होंने असाइनमेंट लिया और उन्होंने कहा मैं लाहौर से जाकर, उन्होंने उसकी नई फॉर्मेट बनाया, उसने बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें की, जंग में फोरम शुरू हुआ और उसी के साथ उन्होंने कहा यार ये तो लाहौर का इतना कलरफुल कल्चर है, अब वो कलरफुल कल्चर को जो उनका कल्चर रिपोर्टर समझा वो दो चीज़ों पे समझा, एक बादशाही मस्जिद के करीब की जगह और दूसरी ये अंजुमन अंजुमन की तस्वीरें। उसने कहा यार ये हमारा कल्चर है, यानी उसने कभी धमक दी कि इंतजार हुसैन लाहौर में रहते हैं या कभी नासिर काजमी होते थे या शायद आज भी जंग के किसी रिपोर्टर को मुश्किल से पता होगा कि शाकिर अली साहब भी कोई आदमी थे इस मुल्क में और उन्होंने भी कुछ किया था और कमाल भी लाहौर में तो फला फला, लेकिन कल्चर क्या था फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर कल्चर का पार्ट नहीं था जो असली आदमी होता था या राइटर कल्चर का पार्ट नहीं था, वो जो आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट है तो वो फिर इस तरह के सफ़े होकर निकलते थे। तो वो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, कल्चर एक बहुत मुश्किल, जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री पे अगर आप कुछ तो निकालते हैं ना कोई जर्नल वगैरह तो उसको कवर करने के लिए भी एक ऐसा आदमी चाहिए होता है। तो कल्चर पे एक काफ़ी सारा इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है सर, मतलब आलम हो या मीर हो या सादी हो या हाफिज हो या रईस ना सितार बजा रहे हो या बशीर का तबला बजा रहे हो तो कौन सी थाप मार रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ सरक गया, कहाँ पे ये आदमी उससे फारिग हो गया, ये बैर में है, रदीफ में है, काफ़ी में है और गायकी में भी सुर और ताल में से किस चीज़ से भाग निकला या दोनों से फारिग है, ये सब कल्चर रिपोर्टर को पता होना ज़रूरी है सर। इसी तरह मुसव्वरी, शायरी, मौसीकी और उसके अलावा ओवरऑल उसकी हिस्ट्री, उसके बाकी सारी चीज़ें, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज, इसकी बदकिस्मती से मुझे नहीं पता ये बहुत सारे हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ के कराची यूनिवर्सिटी से आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा आता नहीं है, यानी उनको पता नहीं है बहुत ज़्यादा और मुझे ये नहीं पता कि वो आखिरी बार उन्होंने उस डिपार्टमेंट को कब उसका सिलेबस को आज के ज़माने के हिसाब से और उसके हिसाब से किया था। तो इस सारी तकरीब का एक मकसद था, वो मकसद ये था कि इस मुल्क में ही मुश्किल से दो तीन कल्चर के रिपोर्टर हैं एंड ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर रिपोर्टर। तो इस लिहाज से एक रेयर ब्रीड का एक ऐसा आदमी चला गया है कि जिससे मसलन दो थे तो एक रह गया, बाकी मैं तफसील में नहीं जाता, या तीन थे तो दो रह गए, तो ये इतना बड़ा काल पड़ गया। तो ज़रूरत इस बात की है, मसलन मैं तलब साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और फिर मैं सलमान से भी कहूँगा, लेकिन मैं जफर अब्बास साहब से बात करूँगा, उन्होंने ज़रूर अपने दो चार बच्चों को ज़रूर ट्रेंड कहीं ना कहीं से करें, क्योंकि एक ज़माने में बेजाज जो अब न्यूज़ एडिटर है ऐसा आलिशान, ये पीरज़ादा से पहले बेजाज हमारे आर्ट काउंसिल में कल्चर रिपोर्टिंग करते थे और दूसरी जगहों पर भी। तो कल्चर रिपोर्टिंग की वरना कोई किसी भी पढ़े लिखे बच्चे या बच्ची को पकड़ के और गाजी सलाउद्दीन के साथ एक हफ्ते का वर्कशॉप करा दें तो उस वो खासे रमूज उनको समझाए जा सकते हैं, एक नई फ्रेश ग्रेजुएट को बजाय इसके कि हम जीशान सिद्दीकी को कुछ सिखाने की कोशिश करें हम अगर बिल्कुल नौजवान बनते कि बच्चा ऐसा हो या उर्दू अंग्रेजी की किताबें पढ़ता हो एटलीस्ट उसका लिटरेचर से और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक हो। तो आज हम मैं समझता हूँ कि दत्ता साहब को एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम ऐसी किसी चीज़ का भी आगाज करें जिसमें सलमान से भी कहें कि भाई देखो तुम भी कोई दो चार लोगों में बैठ के उसमें कुछ सेशन करो, लेकिन जो बुनियादी मसला है आप कल्चर रिपोर्टिंग सिखा नहीं सकते जब तक उन उलूम का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टर के पास ना। ये मसला सिर्फ ट्रेनिंग वर्कशॉप ही, प्रेस क्लब से बात करते हैं शायद मैं कहते ट्रेनिंग वर्कशॉप कर लो, नहीं ट्रेनिंग वर्कशॉप करोगे अगर उसको बेसिक मतलब उसको पहली दूसरी जमात उसने नहीं पढ़ी उसके साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप का फायदा नहीं। तो आई थिंक अब तो अखबार तो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता
बल्कि बड़ी तेजी से। लेकिन कल्चरल पोर्टल की जरूरत तो आपको नेट पे अखबार चलाएंगे उधर भी पड़ेगी, जो पोर्टल बनाएंगे उसमें भी पड़ेगी, जो वी लॉगिन करेंगे उसमें भी तो पड़ेगी, जो भी मीडियम इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट की इम्पोर्टेंस तो मीडियम मीडियम से आखिरी चीज जो रह जाएगी वो आपका कंटेंट रह जाएगा, आपका मीडियम बदल जाएगा, कागज नहीं होगा फला, कल हो सकता कंप्यूटर ना मैं यूज करूँ और एक स्क्रीन मेरे सामने आ जाए, कोई दूर की बात नहीं है वर्चुअल रियलिटी के तहत, लेकिन उसमें चलेगा तो कॉन्टेंट ही। अब आप देखेंगे हम फिल्में बनाते हैं तो, लेकिन नेटफ्लिक्स, अब नेटफ्लिक्स की जो स्टोरी है, जो भी स्टोरी उठाता वो इंटेंस किसी सोसाइटी से जमीन से जुड़ी हुई, चाहे क्राइम सीन है चाहे कोई और इंडस्ट्री। अब जो फ्यूचर है वो कंटेंट का है, तो कंटेंट के ऊपर तो फोकस करना पड़ेगा ना सर। उसकी शक्ल बदल देंगे आप, उसकी उसको अखबार में नहीं छापेंगे, टीवी पे नहीं करेंगे, अपने मोबाइल पे तो आप कंटेंट ही लिखते हो ना यार। अभी भाई कहूँ हम अपनी रिकॉर्डिंग है ना, मसलन अभी आज बता देता हूँ ऑफ द रिकॉर्डिंग कुछ चीज़ें, ये ऑफ द रिकॉर्डिंग मजलिस करते हैं हम। मसलन आज सुबह एक प्रेजेंट हाउस में तकरीब थी जैद साहब, और वो तकरीब थी अल्लो बिया की एक किताब थी, उस किताब के बारे में मैं कोई तबसा नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट साहब अब जो हमारे एक बहुत सीनियर तेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है वो सदर हैं उसके, सर उनका तलफ़ुज़ एक लफ्ज का ठीक नहीं, 80 साल की उम्र है, हाई कोर्ट के जज है, लेकिन वो सदर है जॉर्ज फाउंडेशन के। कहने का मतलब ये है कि उनके तलफ़ुज़ को, इनकी चीज़ों को, इसके कॉन्टेंट को, ये मुझे हिम्मत पड़ी कि गाई साहब बैठे, नुसरत बहुत संजीदा आदमी, ये भी तो सारे नौजवान ही थे ना कभी हमारे सामने पूरी, वो हम लोग भी कभी नौजवान थे, हम भी गलतियाँ करते हैं। ज़रूरत इस बात की है गाई साहब कि कुछ लोगों को जो 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 एग्री हों, कुछ नौजवान, ये ज़ेबस से भी हमें कोई बच्चा मिल जाएगा, इंडस वैली से भी कोई बच्चा मिल जाएगा, हमें IBA से भी कोई बच्चा मिल जाएगा, हमें दुरिया काजी के डिपार्टमेंट, तो लिटरेचर का हो या फिलोसफी का, ज़रूरी भी नहीं है कि वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ आदमी है। मैं वो सच, तुमने क्या मास कम्युनिकेशन से पढ़ा था वैसे सलमान? सलमान तुमने मास कम्युनिकेशन से पढ़ा था? अल्लाह का शुक्र है कि तुमने नहीं पढ़ा। मसलन हमारे साथ अब्बास नासिर था, वो तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ता था, वो इकोनॉमिक्स में था उसने मास, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना पढ़े। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ इस तरह के चंद ब्राइट बच्चे निकालने की ज़रूरत है। चले हम लाहौर इस्लामाबाद उसमें उधर भी इक्का दुक्का हैं जिनको, जो पढ़े लिखे हों उनको एज अ कंट्रीब्यूटर अखबार वाले या चैनल वालों के साथ इस तरह से लिंक करें कि वो इसका ज़रा सा मैार बेहतर हो जाए। तो और इस पर दत्ता साहब भी बहुत बोलते थे, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, तो एक ट्रिब्यूट होगा दत्ता साहब को भी कि ये आगे ये कल्चर के हवाले से और इसके हवाले से चीज़ों को कर सके। मैं आपका बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत वक्त लिया, लेकिन मैंने अभी बहुत सारा बुखार अपना जो है वो अभी भी नहीं निकाला है जब मैं खुल के बात करना चाह रहा। एक डॉक्टर तौसीफ अहमद का एक्सप्रेस अखबार में कॉलम था जिसका अनुमान था लगता था अच्छी जगह चले गए हम, इसको सारा दिन खामोशी से दूसरों की लिखी गलत और कमज़ोर अंग्रेजी ठीक करते रहते थे, बल्कि बहुत बार तो कॉपी में चार चांद लगा दिया करते थे किसी खास ख्याल या सूरत हाल को बयान करने के लिए मौजूद तरीन अंग्रेजी लफ्ज या तासुर लगता साहब की जानब से ही अदा करते थे। अंग्रेजी के मामले में लगता था वो जबान की दुरुस्ती के लिए उनको कुछ सोचने की ज़रूरत ही पेश नहीं पड़ती, उधर सवाल हुआ उन्हें फिर जवाब आया और वो भी मौजूद तरीन जवाब। प्रेस क्लब में भी उमूमन किसी तनहा गोशे में किसी अलग थलग तनहा कुर्सी पर या खाने की मेज़ पर अकेले ही बैठे नजर आते थे या चंद खास लोगों से कोई खास और मुख्तसर सी बात करके चले जाते। सच ये है कि मजमा खुद उनको पसंद था, ना ही वो खुद किसी मजमे में जज सकते थे। गुज़िश्ता 20 बरसों में उन्हें प्रेस क्लब से दिनोज के दफ्तर के रास्ते में बार बार पैदल चलते देखा, वो जानने वालों को कार में गुजरता देखकर भी दफ्तर या प्रेस क्लब तक लिफ्ट नहीं मांगते थे। एक बार जब उनसे दरख्वास्त की कि वो रुकने के लिए हाथ हिला दिया गया तो वो जवाब में मुस्कुराकर मुकेश का एक गीत गाने लगे और गीत की लाइन न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, गुनगुनाते हुए उनकी आवाज़ कदरे बुलंद हो गई। यही गाना गाते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते अपने दफ्तर चले गए, कोई जवाब होती है। मैं बहुत शुक्रिया, बड़ा मुश्किल काम है कि आदि साहब बैठे अहमद शाह सलमान और
मैं बोलूँ और वो भी आपने जो तारफी को स्पीच की थी ना, वो भी पहली स्पीच लोगों की नहीं देखी। उस उमूमन ऐसा होता है कि दो तीन मशाद लोग अगर बोल के चले जाए तो आपको आइडिया हो जाता है कि बोल रहे हैं। तो मेरा मैं रिश्त ले लेता हूँ। अच्छा एमएस अनिल दत्ता साहब के बारे में मुझे नहीं पता था प्रोग्राम बारे में, मुझे बिलाल साहब का फ़ोन आया तो बड़ा दिलचस्प बात थी। तो मुझे लग रहा था वो अख्तबास में पढ़ डालेंगे वो हिस्सा, तो मैंने बहुत डरते डरते लिखा था। और वो अनवर सज्जाद साहब का एक जुमला मुझे याद आ गया, यहाँ सब कुछ लिखा जा सकता है तरीका आना चाहिए। तो मैंने कोशिश की थी सितार बजाने का जो उनको शौक था। अब देखें सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको वो बजाने की बात कर रहे। तो वो मैंने लिखने की कोशिश की, एक मर्दाना मजाक था, एक्सचेंज होता था मुझसे। ये दुनिया खातून बैठी है यहाँ पे, ये दुनिया जितनी भी जेंडर ब्लाइंड हो जाए लेकिन कुछ मजाक होते हैं जो मर्दों के आपस में होते हैं, कुछ मजाक कुछ गुफ्तगू होती है जो खातून के आपस में होती है। तो उन्होंने फ़ोन किया बिलाल साहब ने, और मुझसे कहने लगे कि इनका इसका उत्साह था कि जो सितार बजाने वाला पार्टनर था उसको सबसे भाई मैंने कहा वो तो मर्दों के आपस में कुछ है, मेरा भी इन्होंने इतनी बात सुनी नहीं, मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ उनको ठीक नहीं आ रही थी, इनकी आवाज़ मुझे बड़ी ठीक आ रही थी। तो मैसेज करने हो गया बहरहाल अभी। लेकिन मैं अनिल दत्ता साहब से बात करना, लंबी बात नहीं कर सकता ना करूँ, उससे पहले मैं अहमद शाह साहब की ज़िंदगी में इनके बारे में बात करूँ। एक बार मुझे याद है मौका सर 1993 में मुर्तजा सोलंकी साहब सेंट्रल एशिया से वापस आए एक सुराही ले, याद है? तो प्रेस क्लब में एक महफिल हुई फर्स्ट फ्लोर पे, काफ़ी लंबी चौड़ी काफ़ी लोग थे उसमें, तो उसमें वो सुराही खाली कर दी गई बिलाल साहब का सुनिए। तो जब वो खाली हो गई तो फिर सोच लें आप अहमद शाह अब्बास नासिर इकबाल जाफरी उनको तो उस महफिल की जरूरत नहीं है, और जेब अख्तियार हुसैन तो बस एक बार क्या हो गया उसको छोड़ने को क्या हो गया। उसके बाद से जिंदगी भर की शर्मिंदगी मुझे भी और जेब साहब, और जिसके सामने हम लोग सबसे ज़्यादा डिफेंसिव होते थे शर्मिंदा होते वो अहमद शाह, कि अहमद शाह कभी कोई वो मौजू ना छेड़ दे, कहीं किसी को याद ना दिला दे, कहीं ताना ना दे दे। और जब मैं और जेब साहब कहीं होते थे और अहमद शाह इत्तफाक से आमने सामने आ गए तो ये तो मुस्कुराते हुए गुजर जाते थे, जेब साहब चलते यार कहीं कम वक्त यही वो लम्हा ना हो हमारी बेइज्जती जो है वो कर दे। लेकिन इन्होंने रवादारी का मुजाहरा करते हुए कभी ऐसा किया नहीं। अलबत्ता अभी जब बुक लॉन्च हुई थी जेब साहब की तो वो पहला मामला था कि मैं और जेब साहब ऑडियंस में उनके पास माइक आ गया, मैं पीछे बैठा हुआ था जेब साहब, मैंने कहा जेब साहब अल्लाह खैर करे। तो जेब साहब ने पीछे मुड़ के कहे नुसरत साहब मेरे ख्याल आज के दिन अल्लाह का नाम ले ही ले। तो कुछ दत्ता साहब के बारे में जाहिर है किसी भी शख्स के बारे में उस शख्स का बोलना या तासुरात का इजहार करना ज़्यादा भी तो रहता है जो उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा, उनको करीब से जानता हूँ, लेकिन हम जिस हद तक जानते थे वो यही था। मेरा ख्याल है जब मैं बीट रिपोर्टिंग करता था उस वक्त वो आ चुके थे न्यूज़ में, और ज़्यादातर उनसे जो वास्ता रहा उस वक्त रहा जब वो जब मैं दिन ऑन संडे के लिए आर्टिकल्स करता था। लेकिन न्यूज़ रूम में बहुत देर की बात हो गई कि इंट्रोवर्ट थे, कम बोलते थे, अच्छा बोलते थे तो सही बोलते थे, वैसे काम की बात अगर होती हो और मजाक भी उनका वेट उनकी ह्यूमर बड़ा मज़ेदार। तो बहुत देर के बाद पता चला कि अगर आप कुछ लिखते लिखते रुक गए कि भाई इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हम उर्दू में सोचते हैं तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं उसको, तो कोई ना कोई जवाब देते, कुछ लोग तो जोश में जवाब देते थे और गलत दे देते या मुनासिब दे देते। लेकिन जब डिस्कवर किया गया कि दत्ता साहब के करीब जाके अगर पूछा जाए तो वो सही जवाब मिलेगा, मेरा तजर्बा कम से कम यही था, हो सकता है कि इंसान किसी को अंडर रेट या ओवर रेट करता है, मुझे लगता था कि वो सही जवाब मिलता है उनसे, और इंटेलेक्चुअली भी मुझे लगता था कि उनकी बात दुरुस्त होती है किसी खबर के हवाले से या किसी स्टेटमेंट के हवाले से। तो अभी मैं याद कर रहा था दाखिल होने से पहले वो कोई कुछ रास्ते बन के हर एक के ऊपर परेशानी तारी थी, कुछ जलसे जुलूस का खतरा था, कुछ शायद जियो पे या जंग ग्रुप में कोई प्रॉब्लम थी शायद,
कुछ खतरा था, मुझे एग्जैक्टली किसी को बोला था, शायस्तर रैली का शायद कुछ था, शायस्तर रोटी वाला वहाँ पे शायद वही था। तो हर एक ही परेशान था, तो मैं गुजरा वहाँ से, तो मैंने दत्ता साहब को देखा, उनके चेहरे पर भी परेशानी थी। तो आपके फिलहाल आपका सवाल रहता था, कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने जो है करीब से मुझे ऐसे देखा, मैंने दत्ता साहब कैसे वो परेशान थे, लेकिन अचानक वो परेशानी से उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया और मैंने क्या कहता हूँ उसको प्रेफरल फीस से मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी तरफ देख सकता है। दत्ता साहब ठीक है सर, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अर्से से सितार नहीं बजाया। अब मैं उनको क्या जवाब था, थोड़े पता नहीं कि उन्हें अपना बुजुर्ग समझते थे, शायद उम्र में दो चार साल बड़े थे हमसे, इसलिए तो मैं हंसने लगा। अब मैं क्या जवाब देता हूँ भैया, शायद मैंने जवाब दिया हो या ना बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल तो वो अक्सर इस तरह सीढ़ी पे मिल जाते थे। तो फिर मुझे याद आना शुरू हुआ पहले की बात कि वो काम करते करते बेटा साहब कहाँ जा रहा है यार, मैं जरा अब होता है कभी वॉशरूम जाते हुए आदमी इशारा कर देता है या नहीं बोलता कुछ, कुछ है हमारे मिशन हो गया, लेकिन वो वॉशरूम नहीं जाते थे। एक दिन उनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कहते हैं घंटा लगेगा। तो उन्होंने पूछा कि घंटा कैसे लगेगा, कहाँ जा रहा है, कहते यार सितार बजा गया। तो ये सितार बजाने का सिलसिला जो था, फिर मुझसे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया जो दोस्त हैं हमारे, क्योंकि सितार क्या सितार बजाने माने पता नहीं है, बस ये मजाक है, एक एक मजाहिया एक्सचेंज तबादला है, और सितार वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और बजाना भी शायद वो ना हो तो आप समझ रहे हो, लेकिन ये एक मजाक पे चल रहा है बस, इसके मीनिंग ना कभी मैंने उनसे पूछें ना कभी उन्होंने बताएं कि बस ये एक मज़ेदार सा कॉन्वर्सेशन चलता है। बहरहाल फिर मुझे उनके इंतकाल के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं लिखूँगा कुछ या लिख सकता हूँ उनके बारे में कुछ, लेकिन एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया उन्होंने लिख दिया उसको। तो मुझे एक और बात याद है, मुझे नहीं, मुझे शायद मैं नहीं लिखा, मैं उसके अंदर इतना नहीं कर पाया, एक आर्टिकल की एक वो मजमून की एक लाइन जहन में होती है उसी पर लिख के आदमी फारिग हो जाता है और बहुत सारी बातें रह जाती हैं। एक मैं बात करता हूँ जिसे सोसाइटी की थोड़ी ज़रूरत है, वो है टॉलरेंस, मैंने जो उनके अंदर लिखी थी, और एक एक नॉन इंटरफेरेंस की जो एक साइकिल थी हमारी, जो एक अप्रोच थी कि किसी के मामले में मुदाखलत ना करना, किसी लान तान करने की आदत होती है। मिसाल के तौर पर दत्ता साहब के बारे में 50 लोग मुझसे कह चुके हैं कि भाई अगर ये क्रिश्चियन है तो इनका नाम नहीं लिखता कैसे, अब मैं मेरे पास इसका क्या जवाब होता हूँ मुझे। फिर अभी प्रोनाउंसिएशन की बात करते तरफ उसके, अभी मैं भी मिस प्रोनाउंस करने वालों में एक नाम रूफा मेरे पास जो खातून थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उस पर उन पर भी मैंने लिखा, और यही इवन मैं कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि बिल्कुल करीबी साथी जो हमारे थे तो वो इस बात पर तबादला ख्याल कर रहे थे कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, क्योंकि काम तो उन्होंने जन्नती वाले किए हैं लेकिन आखिर तक ईमान नहीं लाई, तो जब ईमान नहीं लाई तो वो जन्नत में कैसे जा सकते। तो इस पर बात हो रही थी, तो ना अनिल दत्ता साहब के हवाले से इस तरह की बात, लेकिन खुद अनिल दत्ता ने शायद इस तरह का कभी कोई आमाखाना सवाल किसी के बारे में कभी नहीं किया होगा और किसी से भी नहीं किया होगा। उनकी पर्सनैलिटी को देखते उनकी अपने काम से काम करने वाला और ठीक काम करने वाले आदमी, उनको एक उन पर एक नज़र डाल के ये अफर्स किया जा सकता था कि वो किस तरह का आदमी। बस यहाँ मैं कंक्लूड करूँगा ये कह के कि टॉलरेंस के साथ साथ खामोशी, यानी एक चीज़ जो नॉन इशू है हम उसको अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, उसको मैं बस यहाँ पर इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे अपने इंतकाल के बाद पता चला कि उनका ताल्लुक पंजाब से, वरना यकीन कीजिए मैं ये समझता था कि वो कोई गोवन कैथलिक या कोई इस तरह की किसी है। अच्छा बहरहाल गोवा तो मद्रास नहीं है, नहीं पता चला इसको, लेकिन नई चीज़ आज तीसरी चीज़ पता चली, इसका मतलब ये कि वो इस किस्म की गुफ्तगु में इस किस्म की मामला में पढ़ते ही नहीं थे और बहुत दूसरे किस्म के आदमी थे। बहरहाल बात यही है कि चाहे मामला जो है वो न्यूज़ रूम में डिलीवर करने की बात हो चाहे सितार बजाने की, मेरे ख्याल है कि हमारे इस सोसाइटी में भी जहाँ इंटॉलरेंस का बड़ा मामला बहुत ख़राब है, वहाँ पर अनिल दत्ता जैसे लोगों की जो ज़िंदगी है वो एक हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है। और
काफी उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू। शोभा था और इंसानी हकूक के हवाले से, मार्क्सिज्म के हवाले से और सोशल साइंसिस के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हों या इंस्टीट्यूट्स में हों जो मुज़ाकरात होते थे, जो प्रोग्राम मुनक़द किए जाते थे, तो दत्ता साहब बहुत इनमाक से वहाँ जाते थे और वो कवर करते थे। तो आज ज़ैबिस्ट की सोशल साइंसिस डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर रियाज शेख यहाँ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ आएँ और कुछ दत्ता साहब के बारे में गुफ्तगू करें। मुझे तो शाह साहब ने खान पाई को सॉरी अगर हम तो सुनने आए थे। दत्ता साहब से ज़्यादा मैंने खाला हम्बल आदमी देखा नहीं, जिस हालत में आते थे कभी उनके मतलब लोगों को शिकायत नहीं होती थी। इदारे ने जाहिर बात अपनी मजबूरियाँ थी, वो साथी थे जो बड़ी बुरी हालत में आते थे और हम मतलब उनको किसी तरह से हम कहते थे आप बैठे ज़रा फंक्शन ख़त्म होने के बाद आपको मेरे साथ चलिएगा, और फिर अक्सर उनको हम ड्रॉप करते थे यही मतलब प्रेस क्लब होती थी उसके बाद वो चले जाते थे। और जिस तरह भी किसी साथी ने कहा भी कि आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब का जो उनका सफ़र था पैदल जाने का और फिर बिठा लेते थे, खुददारी बहुत ज़्यादा थी। और अहम बात यह कि दत्ता साहब के अंदर जो उस नसाफियों के उस नसल से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने महर पढ़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वो वायल थे। एक दूसरा ये था कि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है उसको बहुत अच्छा समझते थे और अच्छी तरह से समझते थे कि माशरे के अंदर होता है किस तरह ये चीज़ें आती क्यों हैं। मुझे याद है हम फंक्शन कर रहे थे और उस पर हमारा लेक्चर था सफदर हाशमी के ऊपर और फिर वो इंडियन पीपल थिएटर और सारी उसके हवाले से जो बातचीत हुई। तो वापसी पर जब हम निकल रहे थे इरतका के दफ्तर से तो दत्ता साहब बैठे हुए थे, वो तनवीर हाशमी की डिस्कशन और सारी चीज़ें जिस तरह उन्होंने समेटी हैं सारी डिस्कशन के अंदर, खबर बहुत कम है आज के सहाफत में जब तक कि आप वो चीज़ों को अंदर से ना समझें कि जी ये जो छोटा सा फंक्शन है इसके पीछे वो आमिल क्या है, ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बहुत मिस होती चली जा रही हैं साहब। दूसरा ये कि जब हमारे यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जिस तरह बिलाल ने बात की आते थे तो उसके बाद उनसे पूछते थे कि यार ऐसे फंक्शन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं होते, तो मैंने कहा उनसे पूछिए जो नहीं करते, और मेरी यूनिवर्सिटी में भी 200 और टीचर हैं वो नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन हम नज़रियाती तौर पर इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इसको जो है वो करते चले जाएँ। इस ये सितंबर की इन्होंने बात की तो 6 सितंबर का एक और वाक्य मैं आपको सुना दूँ कि मैरिट पे फंक्शन था उसमें जनरल करीम नकवी भी थे और ब्रिगेडियर सदीकी साहब भी थे मेरे साथ बैठे हुए थे। तो कहने तो आपको पता है एआर सदीकी साहब पढ़कर बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, तो उन्होंने बहुत सी सच्ची बातें कर दी 65 की जंग की कि कहाँ पर जो है वो एक्चुअल कोई वो फौजी तो ना था, वो मेडिकल कोर के लोगों के बैजेस तब्दील करके खड़ा कर दिए गए, बहुत सी बातें की। और जब तनवीर नकवी साहब ने उसको सब साफ करने की कोशिश इस मलामत को तो मुझे कहने लगे देखो मेरा काम कितना आसान कर दिया, अब मैं तनवीर नकवी की बात देखूँगा क्योंकि यार सदी की बात तो वैसे ही ना मेरा अखबार छापेगा ना और कोई छापने की जरूरत करेगा, तो इसे चले मेरी जिंदगी आसान होगी। तो इस किस्म की मेरे ख्याल में उनके अंदर कर्ज था, वो माशरे के अंदर के जो तजादात थे उनको जितना बेहतर मेरे ख्याल में समझते थे दत्ता साहब और वो कोई कम समझता था। हारमनी की बात हुई जिस तरह की बात हुई कि जी अल्लाह दत्ता का नाम दे दिया गया, तो हर चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो चाहे क्रिसमस हो तो मेरी आदत है मैं मैसेज करता हूँ ख़ासतौर पर वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, तो दत्ता साहब को जब भी मैसेज आता था मुझे उसके बाद कहते थे डॉक्टर साहब यू नो आई एम नॉट हिंदू, तो मतलब जब दिवाली की मैं उनको मुबारकबाद उनको कहते हैं डॉक्टर साहब यू नो आई एम नॉट हिंदू, क्योंकि 20 साल की वाकई तो मैंने कहा नहीं आई नो यू आर नॉट हिंदू दैट्स व्हाई आई एम मैसेजिंग फॉर यू। तो मेरे ख्याल उनके अंदर जो मांगी थी और ये सीज़न तो था वो जाते थे और जाने से पहले बता के जाते थे कि डॉक्टर साहब आई मिस योर इवेंट्स बिकॉज आई विल नॉट बी हियर फॉर नेक्स्ट 6 वीक। तो मेरे ख्याल वही दिन हैं जिन दिनों में वो जाते थे और फिर वो लौटते थे, तो जाते हैं मेरे ख्याल में रहनी चाहिए। और आगे अफसोस ये है कि यूनिवर्सिटी से ख़ासतौर पर मास कम्युनिकेशन के अंदर बाकी जगह पर ऐसे लोग को वहाँ पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अभी सलमान से बात भी हो रही थी कि मास कम्युनिकेशन आजकल जिन हाथों में है वो हाथ ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में उनका बयान ना किया जाए तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। दत्ता साहब के पुराने साथियों में से एक जनाब शाहिद हुसैन यहाँ मौजूद हैं, मैं
उनको दावत दूंगा कि वो आए उनकी सारी ख्याल करें। दत्ता साहब को मैं 1988 से जानता हूँ, जब मैंने रिकॉर्डर ज्वाइन किया, मैं जनरल रिपोर्टर था, ये एडिटोरियल लिखा करते थे। ये बेसिकली बहुत ही वहमी आदमी थे और बहुत ज़्यादा इमेजिन करते थे। मसलन एक दफ़ा इन्होंने हमारे दोस्त हैं कनाडा में हैं जमीन जुबैरी, उनसे कह दिया कि शायर मिसा रेपिस्ट, जमीन ने मुझसे कह दिया। मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा भाई मैंने किसको रेप किया है, तो कहने लगा आई डिड इट सेट दैट। मैंने कहा आपने कहा तो आप आइंदा जो है ये मत कहिएगा। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की कि दत्ता साहब जो कोई किताब लिखे, और मैंने ये भी कहा कि हम छपवा भी देंगे आपको किताब में और सप्लीमेंट निकालेंगे, सप्लीमेंट अपने ब्रोशर निकालेंगे, उससे आपकी आमदनी होगी। लेकिन ये हमेशा तजज्जुब का शिकार रहे, सारी ज़िंदगी जो है तजज्जुब का शिकार रहे। अच्छा, फिर ये इमेजिन करते थे कि फला CIA का है, फला ISI का है, कोई नहीं होता था, ना इनको कोई फॉलो करता था ना कुछ था। ये बेसिकली बहुत ही इमेजिनेटिव आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन ये इमेजिनेशन जो है ना वो मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेशन था, उसका रियलिटी से जो है कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, ये सो जाते थे तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों को, मसल शाहरुख हसन साहब के बारे में, शाहरुख हसन ने किसी ने मुझे बताया कि शाहरुख हसन ने दराज किया कि साहब ये तो सो जाते हैं। मसला ये था कि इनकी एक आँख नहीं थी और दूसरी आँख डॉक्टर ने बताया था कि आप मतलब वो भी ज़ाया हो जाएगी अगर आप थोड़ी देर आँखें बंद करके सोएंगे। लोग इस बात को समझते नहीं थे, फिर हर जगह इनको भेज दिया जाता था कि मतलब आप डिफेंस चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। मैं तो इनकार कर देता था कि भाई अगर आप मुझे ट्रांसपोर्ट देते हैं या पैसे देते हैं तो मैं जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। ये रिक्शा करके जाते थे, इनके पास रिक्शे के भी जो है ना पैसे नहीं होते। तो किस्से तो मतलब बहुत सारे हैं इनके। अब बेसिकली जो है ये बहुत अच्छे मार्क्सिस्ट थे, लेकिन ये जो इमेजिनेशन थी उसने उनको जो है वो मार दिया। आखिरी ज़माने में मैंने इनसे कहा जब वो प्रेस क्लब में बैठे रहते थे, बहुत बीमार थे, मैंने कहा दत्ता साहब आप न्यूज़ ऑन संडे में लिखा करें, फराज या वो जब भी लिखता हूँ तो 2500 का मुझे एक कट वो कट के जो है वो चेक मिल जाता है, वो खुद ही भेज देती हैं। अब जिन्होंने इमेजिन कर के वो मतलब मेरे छाते भी, मैंने कहा भाई आप भेजें तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरा रेफरेंस आप दे दें। वो इमेजिन ही करते रहे कि मतलब पता नहीं छापे नहीं छापे। ये हर जगह का इनका जो है मामला यही था कि ये तजज्जुब बेसिकली जो एशियाई तजज्जुब है जो उसने कहा है एक रशियन जो है ऑथर ने जो गुनार मॉडल की किताब एशियन ड्रामा उसके काउंटर जो किताब लिखी है एशियन डायलेमा, उसमें एशियाई तजज्जुब बताया है। मेरा खास है दत्ता साहब उसका शिकार था। शरीक होंगे गाजी सराउद्दीन साहब, शरीक होंगे और एडिटर एट दी न्यूज़ तलत असलम साहब। मैं तीनों हज़ार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ किए। गुफ्तगू का जो जो मौजू है वो दत्ता साहब की आर्ट रिपोर्टिंग और दत्ता साहब जैसे पूनामश्क साफियों के गुजर जाने के बाद जो आर्ट और कल्चर रिपोर्टिंग में जो कला हुआ, जो जिसकी निशानदेही अहमद शाह साहब ने शुरू में कर दी थी, वो कैसे पूर्ण हो सकता है या नहीं हो सकता, और आर्ट रिपोर्टिंग का कराची में या पाकिस्तान में मुस्तकबिल, इस मौजू पर हम तीनों माइक है। हेलो, सलमान साहब डॉन में आर्ट रिपोर्टिंग कल्चर रिपोर्टिंग करते हैं, हम सब वाकिफ हैं। मैं गुफ्तगू दत्ता साहब से शुरू करूँगा। दत्ता साहब का जो सहाफती करियर है वो बेशतर या कहने के 70-80% से ज़्यादा तो सब एडिटिंग या डेस्क पर गुजर है, और ये 5-6 साल पहले की बात है कि जब वो फुल टाइम रिपोर्टर वो बनी, और ये बहुत ही एक अनहोनी सी चीज़ है क्योंकि 70 साल की उम्र के करीब जब लोग फील्ड छोड़ के चाहते हैं कि ऐसा काम करें जो कुर्सी पे और मेज़ पे
बैठ के किया जाए, उन्होंने दूसरी ट्रांजिशन की और ये शायद ऐसी मिसाल पता नहीं कोई और हमारे तारीख में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीर दादा साहब से मैं शुरू करूँगा कि जब दत्ता साहब ने शुरू किया तो वो एक जब वो नंदर पे आए कल्चर रिपोर्टिंग में तो क्या क्या हुआ, किस तरह से उनका इस्तेमाल हुआ, कैसे उन्होंने अपने नक्श। अभी सितार की बात करें ध्वनि की, लेकिन वो क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक बजाता है आफ्ताब, एंड दत्ता साहब adored him, he loved him। और वो जब भी अमेरिका जाते थे तो बेसिकली वो अपने भतीजे के पास जाते थे, भाइयों से नहीं जाते थे। सहाफत भी उनकी किसी से बनी हुई थी, बिकॉज वो मैं चाहूँगा दत्ता साहब और गाजी साहब ये ओल्ड स्कूल की जो सहाफत है उसकी थोड़ी बात करें, ओल्ड स्कूल सहाफत यानी पंक्चुएशन कॉमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लिखना चाहिए कौन सा लफ्ज, उस तरह के सहाफी थे। अच्छा उम्र की वजह से ये भी कह दूँ, मैं मानना चाहता हूँ तो उम्र की वजह से आखिरी दिनों में उनकी रिपोर्टिंग में बहुत अच्छी हो गई थी, यानी रिपोर्टिंग में उनके ज़रा सा गिरावट आई थी, लेकिन चूंकि वो जानते थे अभी बात की किताबें पढ़ी, ही वाज अ स्टॉन्च मार्क्सिस्ट एंड ही लव्ड वुमेन, ही रिलिश्ड फूड। जब आप इतने सारे एरियाज आपके इंटरेस्ट के हो गए आपकी रिपोर्टिंग में खुद ब खुद जान आ जाती है। जब आप कोई अच्छा सबसे बढ़कर उनका जो खास एरिया था इंटरेस्ट का वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक था, जो कि अब हमारे यहाँ शायद ही कोई जानता उसके बारे में, विच इज वाई ही हैड ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर अनवर मुराद साहब, लेट अनवर मुराद, उनका अक्सर जिक्र करते थे कि अनवर मुराद मोज़ार्ट और बाख और बेथोवन वगैरह के बारे में जानते थे और करते थे। ये दत्ता साहब का एरिया था, उर्दू लिटरेचर उनका एरिया नहीं था, लेकिन चूँकि उनको जॉब की ज़रूरत थी, असल में तो देखिए हम सबको जॉब की ज़रूरत होती है ना, तो जॉब की ज़रूरत थी, जो जॉब का तकाजा था उनको वो कह दिया गया कि आप दर्शक कल्चर। मैं नहीं समझता कि उनका कोई यस वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक किसी हद तक फिल्म थिएटर थिएटर भी क्लासिकल थिएटर रेनेसांस का थिएटर वगैरह उस तक की जानकारी थी, मॉडर्न थिएटर वगैरह, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी अच्छी थी अंग्रेजी की जानते थे तो वो अच्छा था। और किताबें आपने पढ़ी हो, जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा अपनी बात बैक करने के लिए आपकी रिपोर्ट में जान नहीं आएगी। आप शेक्सपियर का ड्रामा अगर रिव्यू कर रहे हैं और आपने पढ़ा ही नहीं है शेक्सपियर को तो मालूम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मालूम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम ये है कि अभी कोई साहब हमेशा शायद बात कर रहे थे, अब नहीं है लोग और ना ही मुझे आते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल जैसे पीरज़ादा कह रहे थे पढ़े लिखे ओल्ड स्कूल जाने की बात हुई, तो एक बात जो हमारे नमस्कार कह गए कि नामों की स्पेलिंग, मैं बहुत जब मैं एडिटर हुआ करता था बहुत परेशान होता था कि नामों के स्पेलिंग अक्सर गलत होते थे, और किसी भी नाम के स्पेलिंग वही होने चाहिए जो शख्स खुद लिखता है, यानी अल्तार हुसैन का हुसैन मुख्तलिफ है और सद्दाम हुसैन का हुसैन परवेज इलाही का परवेज मुख्तलिफ है और परवेज मुशरफ का परवेज मुख्तलिफ है। तो इस सिलसिले में पर्टिकुलर होना ये बात थी कि वो ओल्ड स्कूल के थे, पढ़े लिखे थे, तन्हा बहुत तन्हाई उनके लिए थी। एक बात जिसमें ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की लेकिन वो एक हकीकत है कि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और ईसाई होकर भी वो माइनॉरिटी में थे, कि रोमन कैथलिक थे प्रोटेस्टेंट थे, तो उसका साया उनकी शख्सियत पर और उनके ख्याल पर काफ़ी गहरा पड़ता था। तन्हा महसूस करते थे, वल्नरेबल महसूस करते थे, अजीब सा खौफ भी उनको रहता था हालात से वाकयात से, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं जो माशरा है हमारा वो तो इंटॉलरेंस का पाला हुआ है, तहपसंदी का है, उसमें खास कर रेयर चीज़ होती जा रही है आजकल हम देखते हैं कि किसी ने किताब
कैसे वो चिराग्पा हो जाते वो जब अमेरिका गए पहली बार अमेरिका उनके लिए एक प्लेयर था अमेरिका से ना पुराना क्रिकेटर फाइनली वैकेंसी इज ब्रदर जो अमेरिका गए वापस आए तो काफ़ी बदले हुए थे इतने भी लोग वहाँ इतने बड़े मिले एक दफ़ा मुझे याद है मेरी तो उनसे मुलाकात प्रेस क्लब में होती थी वो जो पीरदादा बताने में से कोई तरह का हमारे उसे कॉफी क्लब तो नहीं कह सकते जो दारू की क्लब तो वहाँ हम बैठते थे गुफ्तगू होती थी तो मैंने बहुत एक दफ़ा उन्हें समझाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स इज द बेस्ट न्यूज़ पेपर है वो मान्य को नहीं आती कि फिर क्यों है अमरीका ने अजीब क्या लेकिन ये कि अच्छी बात है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं एक बहुत ही नेक समझदार ईमानदार मेहनत से काम करने वाला साहब भी था एंड इफ यू एंड राइट टू नो अबाउट आर्ट एंड कल्चर और जितनी बहुत भी मैंने उनकी पहुँच थी और जितनी बहुत थी वो भी आप देखें तो अब नहीं और वो जो बात हुई है कि कल्चर की रिपोर्टिंग अब कैसे हो और कल्चर की रिपोर्टिंग एक तो वो होती है कि जो कुछ लोग करते हैं कि गए और कहा कि फला जगह फला साहब ने ये कहा लेकिन उसकी समझ होना उसका बैकग्राउंड होना उस पर नुकते निकालना वो बहुत ही रियल है मेरे ख्याल महीने हो गए हैं हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है नहीं मिल रहा मुश्किल है क्योंकि वो गैप वो बैकग्राउंड वो अंडरस्टैंडिंग हाँ इस तरह के कभी ये लाइक वन ऑफ अ काइंड बट व्हाट काइंड ऑफ ए कमेंट इज दिस स्कूल ऑन ये देखे ना कि हर गली में एक यूनिवर्सिटी है और उसमें मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट खुला हुआ है और इतने पढ़े लिखे लोग बाहिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन कल्चर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और ये बिल्कुल बल्कि मेरे ख्याल में बल्कि ये काम उस जमाने में हुआ था जब न्यूज निकला था और तलत का बहुत ताल्लुक है मतलब फेरल से और संजीदा जर्नलिज्म से भाई तलत असलम बस वेरी वेल नोन कहना चाहिए उसे सबिलिटी नहीं कह सकते री राइटिंग पर्सन यानी आप किसी भी स्टोरी को या ऐसे को आप इन्हें दे दें तो उसकी अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी जैसे कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो ऐसे लोग नहीं हैं और इनको कैसे पालें क्योंकि मुझे याद है अब कितने साल हो गए 1991 जब हमने न्यूज़ निकाला था तब हमने ये किया था कि एक टेस्ट बनवाया था राजकीय यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त पढ़ाते थे अब्बास अब्बास हुसैन उसे एक छोटा सा टेस्ट बनवाया था और वो हमने मैंने कहा था मास कम्युनिकेशन के स्कूल में गया और मैंने कहा कि यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि नौकरी नहीं मिली और मैं ये शिकायत करने आया हूँ कि यूनिवर्सिटी में तो जो भी आए ये टेस्ट दे ये टेस्ट पास कर लेगा तो हम इंटर कर और काफ़ी उन दोनों नए लोग आए और अब तो सितारों की तरह चमक रहे हैं जर्नलिज्म के होराइज़न पे कई नाम हैं जो न्यूज़ के साथ तो ये कोशिश की गई लेकिन अब एक और मसला भी है जर्नलिज्म के साथ और वो जर्नलिज्म के साथ मसला ये है कि इतनी पाबंदियाँ हैं सेल्फ सेंसरशिप है ऐसा माहौल है जिसमें यानी संजीदा कमिटेड जर्नलिज्म करने की गुंजाइश है लेकिन इसका एक और पहलू इसी वजह से कल्चर की रिपोर्टिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई अगर आप सियासत नहीं कर सकते अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं लिख सकते अगर आप डिसेंट को प्रमोट नहीं कर सकते तो आर्ट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर्ट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक आउट दी वो जो लोगों के ख्याल हैं डिसकंटेंट है उसको निकालने के लिए तो बल्कि मैं कुछ ऐसे एनजीओ को जानता हूँ जिनके काम करने में दुश्वारी हो रही है तो उन्होंने कहा कि अब हम आर्ट पे तवज्जो देंगे
की बात है कि अभिला के काम को इसकी इत्तला उन्हें भी मिल गई कि आर्ट के जरिए ये अपनी बात कहना चाहते हैं वो है, लेकिन ये सही है कि जो 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 एक तरह की डी इंटेलेक्चुअलाइज सोसाइटी एक हो गई है हमारी, और मैं वाकई देख रहा हूँ ज़्यादा की जो रिपोर्टिंग है या जिस किस्म की इनकी दिलचस्पियाँ जिससे मैं इसलिए वाकई पुख हम बहुत साथ बैठते हैं प्रेस क्लब में, वो मुझे लगता है कि और जर्नलिस्ट जो हैं मुझे कम ऐसे जर्नलिस्ट मिलते हैं जिनसे आप ये बात कर सकें कि कौन सी किताब पढ़ी और किसने क्या कहा था, ना उर्दू अदब से अदब और सहाफत का जो रिश्ता है ना वो उसको आप कभी भी निगेट नहीं कर सकते। जो बात मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हेस्ट, क्वालिटी ऑफ राइटिंग की जरूरत होती है, तो जर्नलिज्म की और अदब की सरहदें मिलती बिल्कुल, तो ये तो है, तो कोशिश ही होनी चाहिए कैसे कैसे करें हम के बोलना सही हो क्या करें। मैं तो भाई साहब समझता हूँ कि ये आदमी के अपने ऊपर इंटरेस्ट आपका चीज़ों में है तो आप एक्सेल करेंगे अपनी फील्ड में, लेकिन अगर आपको ज़बरदस्ती किसी फील्ड में डाल दिया जाए और कहा जाए कि लिखो इस पर, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है जो जिस आपने डी इंटेलेक्ट उसका हवाला दिया कि दानिश का मसला है, इंटेलेक्ट का मसला है, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू छोड़ दिया है, जो मैथ कम्युनिकेशन पढ़ के आते हैं बच्चे वो उन्होंने एक ख़ास तरह की तालीम हासिल की होती है और किताबों वगैरह से उनको भी लगाव कभी होता है वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उनका क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो रोमांटिक रेट ना क्यूरियोसिटी तो रोमांस का रेट होगा कि आप जानने की ख्वाहिश, जानने की ख्वाहिश नहीं है लोगों में, इसलिए आपको ये इस तरह। अब आपने मैं बात बता दी बड़ी इंटरेस्टिंग बात दत्ता साहब के बारे में कि दत्ता साहब कहते थे कि दुनिया में चार ग्रेड्स उनकी रहा, मार्क्स मोजार्ट नहीं आइंस्टाइन और मोहम्मद रफी। अब आप शेक्सपियर हो गए, तो अब ये देखिए ना इस बात से ही जाहिर होता है कि उनका जो स्कोप है जैसा कैसा है, यानी शेक्सपियर भी अगर पढ़ रहे हैं और मार्क्स भी पढ़ रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी को भी सुन रहे हैं, तो ये देखिए अब कितने लोग हैं आजकल के दौर में जो इस तरह के इंटरेस्ट बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बीट होती है, तो जो जिसकी बीट इकोनॉमिक रिपोर्टिंग है तो वो कैसे भी पढ़ेगा कि क्या हो रहा है, पिकेटी की किताब अगर उन्होंने पढ़ी है अप टू डेट रहने के लिए उसके, इसी तरह अगर किसी की बीट कल्चर है तो वो कैसे भी चीज़ें जानेगा, तो ये तो मसला है। तरह से आपकी क्या राय है क्राइसिस जैसे आप कह रहे थे वो मतलब एजुकेशनल स्टैंडर्ड बड़े नैरो हो गए, स्पेशलाइज हो गए में वो डेप्थ जीना हो गए, वैसे इतनी नेगेटिविटी भी नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं जो क्यूरियस हैं जो समझना चाहते हैं उनको शायद सही तरह मोल्ड नहीं किया जा रहा है, ट्रेन नहीं किया जा रहा है, मे भी तनख्वाहें खासतौर पर इतनी अच्छी नहीं है, लोगों नॉट अट्रैक्टिंग एक और भी है विदिन थ्री पब्लिकेशन या मीडिया हाउसेज इस बीट को इम्पोर्टेंस बढ़ी जाए, इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, न्यूज़ ऑन संडे में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, मगर डेली में ज़रा कम है, मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स मैगजीन साइड जो है उसकी फीचर साइड मैगजीन साइड जो है उसमें दूसरी बात ये भी है शायद कि रीडरशिप क्योंकि नहीं है तो वो जो एक आपको मिलता है फीडबैक आप अच्छा काम करें और आपको फीडबैक के लिए वो अब नहीं ज़्यादा रीडरशिप बहुत महदूद हो गई है, लोग अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो कितने लोग सीरियस ओपिनियन पीसेस कितने लोग पढ़ते होंगे, एडिटोरियल कितने लोग पढ़ते होंगे, तो वो जो एक कहना चाहिए
किताब का तबसरा किया तो उसमें ये बात भी की थी, ये जो चीज़ें हों तो उससे और एक एक तरह की एनकरेजमेंट इंस्पिरेशन मिलेगी। डॉक्टर साहब सर ये कि एक चीज़ जो मुझे दिमाग में गई थी कि बेसिकली वो सवेरे थे और फिर जो वेरी ऑर्डिनरी था, अगर वो इसलिए भी हुआ कि एक तो जैसे आपके कहा था वो सो जाते थे और उनकी उनका वो प्रॉब्लम था, बट एंड जो मैंने उनको रिपोर्टर बताया उनकी ट्रू कॉलिंग हुई थी और सब एडिटर वाली जो उनकी रोल थी उसमें थोड़ा कोल्ड टैलेंट थे, जबान जरा ज़्यादा ही जर्नलिस्टिक नहीं थी, जरा हैवी थी रिपोर्टिंग में जब गए बिल्कुल तो सारी खूबी थी जो रिपोर्टर में हमें चलिए वेरी कॉन्शियशियस पंक्चुअल बिल्कुल टाइम पे आना सही चला रिपोर्ट करना स्पेलिंग ये हाँ ठीक है समटाइम्स ही वुड गेट वेरी अनॉयड एट द थिंग बट दैट इज व्हाट अ हॉरिबल फंक्शन दैट वाज आई थिंक यू गेट टू प्रैक्टिस आउट फॉर द इयर आई लिंक्ड इट कल्चर रिपोर्टिंग में सब्जेक्टिविटी का एक बड़ा एस्पेक्ट है, बाकी तमाम मीट्स में कहा ये इसका जवाब भी एक एक साल में करना चाहूँगा सवाल ये बिल्कुल माजी से अच्छा सवाल माजी से नहीं बिल्कुल यानी मतलब कॉन्टेक्स्ट तो होना चाहिए ना का कॉन्टेक्स्ट तो होना चाहिए और भाई देखिए जैसे हेरिटेज पे अक्सर आजकल बहुत लिखा जाता है, हेरिटेज पे बहुत बात होती है, जो दत्ता साहब मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा लिखा है उन्होंने लेकिन वो जानते थे चीज़ों यानी लाहौर में पले बड़े थे तो वहाँ की जो जो आर्किटेक्चुरल ब्यूटी थी लाहौर की उससे वाकिफ थे, कराची में जो कुछ भी अंग्रेज़ों ने बनाए बिल्डिंगे वगैरह उससे वाकिफ थे, तो वो माजी से कनेक्टेड थे बिल्कुल थे और एफ सी कॉलेज से पढ़े हुए थे तो उसका भी उनको सारा तजर्बा था और उनको मालूम था कौन कौन वहाँ से पढ़ा है। अच्छा फिर शहर के जो मशहूर सोशल फिगर होती हैं उन सबसे वाकिफ थे कि इसकी माँ ये थी उसका बाप एम्बेसडर था और उसका ये था जो कुछ था, ये सब चीज़ें जो हैं ज़ाहिर ही कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, आप रिपोर्ट लिखते हैं कि जब ये होता है हमारी जगह वो है नहीं वो चीज़ें क्लियर नहीं आज के दिन हाँ बिल्कुल और वो इसको मानते भी नहीं। मैं इसमें एक मिसाल दे रहा हूँ बहुत जूनियर लोगों की, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सबकी के बाद की जैसे गुलामी भट्टी साहब स्टेशनरी आते हैं लेकिन मुझे याद है उनके बच्चे वो नहीं जर्नलिस्ट नहीं है फिर भी वो हमारे सामने अखबारों को होते थे अब 1987 नहीं कोई बात नहीं वो तो चले था लेकिन जो प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग में भी ये अब देखने में आई कि यार मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कहाँ आप जो है उस किसान को लेकर कहाँ आप जो है वो ओजीडी कैंप पे लेकर छोड़े बात मतलब जो भी रिपोर्ट है ये चीज़ किस तरीके से हो ट्रेनिंग की बात हुई या न्यूज़ रूम डिस्कशन नहीं
कोई काम करें तो आपको पता हो कि आप किस दायरे में रह के काम कर रहे हैं, इसकी रेलिवेंस क्या है। अगर ये डिक्लाइन चल रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान या कराची या जनरलिया तक नहीं है, ये ग्लोबल डिक्लाइन है। ट्रंप को देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं, ट्रंप से अंग्रेजी में लिखी जा रही है, तो ये तो दुनिया भर में ये दुनिया भर का हिस्सा है। आप इंसान होते हैं तो वो इश्क के दायरे के अंदर रहते हुए कुछ तरक्की कर रहे होते हैं। वो ये सोचते कि बिसात आलम पर या हमारे बिसात हयात पर इश्क के मोहरे को इस खाने से उठा के अगले खाने में पहुंचा दिया जाए, तब भी वो एक बड़े शायर बन जाते। लेकिन वो इश्क के पैराडाइम से निकल गए और उन्होंने नया पैराडाइम क्रिएट किया जो अक्ल का पैराडाइम था। सो जोश की जोश की डायलेक्टिक्स को समझने से हमें ये अंदाज़ा होगा कि उनका अपने असर के बारे में इल्म कितना था। आज मैं ये सोच के आया था कि मैं इकबाल हैदर साहब से और हिलाल नकवी साहब से पूछूंगा कि ये मुझे बताएं और हमारी तालीम करें कि जोश साहब ने 1910 से लेके 1940 तक के ज़माने में क्या चीज़ें पढ़ी थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हो सकता है तहकीक का कि उनके मुताले में क्या चीज़ें आती रहीं। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कोई बहुत सोशियोलॉजी का लिटरेचर ना पढ़ा हो, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स का मुताला ना भी किया हो, अगर वो अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल भी बाकायदगी से पढ़ रहे थे तो यकीनन उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि दुनिया में क्या हो रहा है और तुर्की में क्या हो रहा है।